हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज बात करेंगे क्लास टेंथ का लेसन नंबर 5, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा ना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में ये लेसन नंबर 5 है। इससे पहले कि 1 से लेकर 4 तक वीडियो में डिस्कस हो चुका है। सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियो को विजिट कीजिए और अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और इससे जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, आप लोग फटाफट वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर बताना ताकि आपको अच्छे से और भी याद हो जाए। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो ऑप्शन देखिए, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। तो हमारा मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में सारा क्वेश्चन का आंसर बताओ और एक टारगेट रखो, यानी कि इस लेसन में मैंने 28 क्वेश्चन कवर करूंगा, यानी कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन में जो है 28 क्वेश्चन कवर करूंगा। और एक टारगेट बनाओ कि आपको 28 में से कितना सही जाता है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग 28 में से 25 सही कर लेते हो तो आपको जो है पूरा कंफर्टली 95+ तो आपको पक्का आ जाएगा, यानी कि 95% बोर्ड एग्जाम में। अगर आप 28 में 20 लाते हो तो थोड़ा सा ढील है, लेकिन 28 में 25 या 25 से प्लस लाते हो तो वेरी गुड मेरे तरफ से। चलिए, तो आई होप इसका आंसर बिल्कुल राइट दिए होंगे। बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग जो है उभर कर आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? यानी कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे वो थे श्री गोविंद सिंह। ठीक है, याद रखना, श्री गोविंद सिंह जो थे वो क्या थे, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो श्री गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना नगर में हुआ था श्री गोविंद सिंह का जन्म। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर सवाल है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य में बनाया गया था? पटना में जो गोलघर बना हुआ है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो देखिए, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। आई होप इसका आंसर आप लोग बिल्कुल करेक्ट दे रहे होंगे। पटना में गोलघर, अभी जो है पटना में लगता है कि अनाज नहीं रखाता है, मामला हुआ था सड़ने वाला तो पता नहीं, लेकिन पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? उद्देश्य है ना, उद्देश्य जो है अनाज रखने के लिए बनाया गया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन को याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघासनीज के पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में है में की? यानी कि मेघासनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? तो देखिए, हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखना, जब मेघासनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा जो है वो किसके समय में की थी? इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ने की थी। ठीक है, मेघासनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन सही चलना चाहिए आप लोग को। 5वां नंबर सवाल कहता है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, यानी कि 1912 ईस्वी को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिहार को, ठीक है, किसको दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1912 ईस्वी को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर सवाल है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? इसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर आपको याद होगा। और अगर आपको नहीं याद है तो वीडियो को देखो अंत तक, सारे क्वेश्चन को याद करो। अगर ये क्वेश्चन कोई और वीडियो में रिपीट हो गया तो उस वाले वीडियो में ये सारा क्वेश्चन गलत मत करना। ठीक है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ जी? ऑप्शन देखिए, 1850, 1855, 1860 और 1870। तो लंदन में जो प्राथमिक शिक्षा जो हुआ था लागू, वो हुआ था 1855 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1855 ईस्वी को लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक शहर सबसे पहले कहां बसने शुरू हुआ? यानी कि आधुनिक शहर जो है वो सबसे पहले कहां बसना शुरू किए गए? जैसा आधुनिक शहर बसने के लिए शुरू किए गए,
हाँ जी यही सवाल ठीक है। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए चीन, जापान, इंग्लैंड और भारत। तो हमारा जो है इंग्लैंड में जो है आधुनिक शहर सबसे पहले इंग्लैंड में बसने के लिए शुरू हुए थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ बसने के लिए शुरू हुए थे? तो हमारा हो जाएगा इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में आधुनिक शहर सबसे पहले बसने के लिए शुरू हुए थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो किस शासक के द्वारा की गई थी? तो आजाद शत्रु के द्वारा की गई थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आजाद शत्रु के द्वारा की गई थी और ये क्या था, ये एक शासक था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस शासक के द्वारा की गई थी? तो आजाद शत्रु जो थे वो एक शासक थे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? यानी कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो थी वो कहाँ स्थित थी? तो वो थी जो राजगृह में। ठीक है, राजगृह में स्थित थी मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह में उपस्थित थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो राजगृह में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? यानी कि कौन सा वस्तु रखने के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? अभी मैंने कवर किया था अनाज रखने के लिए। इस क्वेश्चन का है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और आई होप इसका आंसर फिर से आप लोग बिल्कुल राइट दिए होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, पटना में जो गोलघर बनाया गया है वो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। किस उद्देश्य से बनाया गया जी? तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। अब आपको देखिए यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि किस वस्तु के भंडारण के लिए गोल घर बनाया गया है, तो ये देखिए अनाज दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कपास मत मारिएगा, अनाज। ठीक है, क्योंकि अनाज के लिए ही गोल घर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहेब फल्के किसी का नाम है और दादा साहेब फल्के ने निम्नलिखित में से यानी कि ये चारों ऑप्शन में से किस फिल्म का निर्माण किया? ऑप्शन देखिए, राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सिंह आई दी और गेस्ट हाउस। तो यहाँ पर गेस कीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा हमारा राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दादा साहेब फल्के ने। ठीक है, दादा साहेब फल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई किस वर्ष कोई बात नहीं जी, पेन नीचे गिर गया था। ठीक है, मुंबई किस वर्ष मुंबई फ्रेंसीडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? तो यहाँ पर देखना है क्या कि मुंबई जो है किस वर्ष मुंबई फ्रेंसीडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन सी, यानी कि 1819 ईस्वी को बनाए गए थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? यानी कि ब्रिटेन ने किस राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? तो ऑप्शन देखिए, चार्ल्स द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटेन के राजा यानी कि चार्ल्स द्वितीय जो थे ब्रिटेन के राजा थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो क्यों किया गया, यानी कि उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जो था वो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए चार्टिस्ट आंदोलन शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग करने के लिए। अब इससे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएगा। ठीक है, और उससे संबंधित रॉलेट एक्ट के भी बारे में याद करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रॉलेट एक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा कौन सा वर्ग का शोषण हुआ था? ऑप्शन देखिए, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग और
सभी वर्ग, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था जी? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, श्रमिक वर्ग का शोषण किसके द्वारा हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 16 है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी परिवर्ती से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी परिवर्ती से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो थोड़ा सा वर्ड कड़ा है और पढ़ने में मुझे मिस्टेक हो रही, तो माफ़ करना, ठीक है। चलिए, 16 नंबर सवाल का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन का मतलब अगर समझाएं तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो देखिए, इससे यानी कि प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से, ये दोनों से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, यानी कि किसके प्रेरित? तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित में। अगला क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? यानी कि औद्योगिकीकरण जो है वो किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो ऑप्शन देखिए, ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों और बंदरगाहों। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का बी, यानी कि शहरीकरण गहन के रूप में प्रभावित किया गया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 18 नंबर सवाल कहता है, वेट, थोड़ा सा क्या खुल गया है, कर दिया। चलिए देखिए, 18 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा, गार्डन सिटी के योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए, अब गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो हमारा 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि एबेनेजर हावर्ड ने बनाई गई थी। यानी कि गार्डन सिटी की योजना जो है वो किसने बनाई थी? तो एबेनेजर हावर्ड ने बनाई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 19 नंबर सवाल कहता है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संयमता आंदोलन जो है वो किस महानगर में चलाया गया था? तो वो जो है लंदन में चलाया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संयमतम जो है आंदोलन जो है लंदन में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ग हुआ? यानी कि सिंगापुर का उदय जो है वो किस वर्ग हुआ था? तो हमारा ऑप्शन देखिए, 1919, 1945, 1955 और 1965 ईस्वी को। तो सिंगापुर का जो उदय हुआ था वो हुआ था 1965 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो 1965 ईस्वी को सिंगापुर का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कहता है कि 21 नंबर सवाल, बम्बई में किराया कानून किस वर्ग लागू किया गया? यानी कि बम्बई में किराया कानून चला था, ठीक है। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो जो है 1918 ईस्वी को किराया कानून लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किराया कानून जो है 1918 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कहता है कि 22 नंबर सवाल, आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ जी? देखिए, तो हमारा ऑप्शन क्या कहता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, या हड़प्पा की सभ्यता से, या पुनर्जागरण से, या आधुनिक क्रांति से। तो क्वेश्चन में जैसा डॉप लगता है कब से हुआ था, और यहाँ पर जो है कब से छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूरा पढ़े तो आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था, क्वेश्चन में से यहाँ पर छोड़ गया था। तो यहाँ पर 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ था आधुनिक नगरों का विकास, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्री जो है वो किसके समय मगध की राजधानी थी? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, यानी कि उदयन के समय जो है मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्री। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी क्या कौन थी? यानी कि औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी दोस्तों? ऑप्शन देखिए, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और
श्रीखापट्टनम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 24 का करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि मुंबई थी, ठीक है, मुंबई थी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, लंदन में भूमिगत रेल जो हुई थी वो किस वर्ष आरंभ हुई थी, यानी कि 1963 ईस्वी को आरंभ हुई थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष हुआ था, तो भूमिगत रेल जो हुआ था 1863 ईस्वी को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल, 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची है, यानी कि 1810 ईस्वी से लेकर के 1880 ईस्वी तक, यानी कि लंदन की आबादी 10 लाख से कहां तक बढ़ी है। तो ऑप्शन देखिए 20 लाख, 10, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख। तो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 40 लाख तक बढ़ गई है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1810 ईस्वी से लेकर के 1880 ईस्वी तक इसके बीच में जो है हमारा 10 लाख से बढ़कर कितना पहुंच गया है, तो 40 लाख तक आबादी जो है पहुंच चुकी है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कहता है क्या, 28 नंबर सवाल, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, द बीटर काई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, तो देखिए हमारा जो है इसका लेखक कौन थे, ये बुक का नाम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि ये भी तो बहुत कड़ा वर्ड है, एड्रियू मियनर्स थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ वर्ड काफ़ी कड़ा है और वीडियो में जो है बहुत ही मुश्किल होती है बनाने में, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी, बम्बई की चौल जो थी वो किस प्रकार की इमारत थी, तो ध्यान से देखना है दोस्तों, बम्बई की चौल जो थी वो थी बहुमंजिली इमारत थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बम्बई की चाल जो है किस प्रकार की इमारत थी, तो बहुमंजिली इमारत थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 28 क्वेश्चन पूरे कवर किया है इस लेसन से, और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको जरूर दिया जाएगा पीडीएफ। यहाँ देखिए सारे पीडीएफ का आंसर मेरे यहाँ वीडियो के नीचे जो है, यानी कि पीडीएफ के नीचे पड़ा है, सारा वीडियो को पीडीएफ आप ले सकते हैं आराम से। बस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को इंप्रेस नहीं किया तो इंप्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए आपको कैसे मिलेगा पीडीएफ, पीडीएफ लेने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, उसका मात्र फी है 100 रुपये, ठीक है। आपको 100 रुपये जमा करना पड़ेगा साल भर के लिए, उसमें जो है आपको ऐड करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से आपका स्टडी होगा, आपको सिर्फ वहाँ पर 100 रुपये लिया जाएगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग 28 में से कितना सही किए हैं, सबका मैं कमेंट देखूंगा और मैसेज करूंगा, ठीक है। वीडियो को अंत करते हैं, थैंक यू, डेट्स ऑन।